कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम CTET का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे 30 CDP के क्वेश्चंस को। तो इस सीरीज में हम आज सॉल्व करने वाले हैं 2019 के उस क्वेश्चन पेपर को जो CTET 2019 दिसंबर में आपका पेपर हुआ था, और ये सेम वही प्रश्न है, आपका मेन क्वेश्चन पेपर है जो कि दिसंबर 2019 में आपके एग्जाम्स में आया था। तो चलिए आइए CDP के CTET में पूछे गए इस प्रश्न को आज हम हल करते हैं और 30 प्रश्नों को हम देखेंगे। और एज यूजुअल हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 30 से और फिर इस प्रकार से 30 से हल करते हुए हम चलेंगे पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों हर बार की बात ही, चलिए प्रश्न संख्या 30 में हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी आपका टाइम वेस्ट किए। तो आपका पहला प्रश्न दोस्तों CTET 2019 में पूछा गया था, 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी है, एजेंसी का उदाहरण है। दोस्तों ये मोस्टली रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और आपने देखा हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीयक जो सेकेंडरी एजेंसी है, तो सेकेंडरी परिवार एवं आस पड़ोस। तो आप सबको पता है कि परिवार जो होता है, परिवार सदैव प्राथमिक होता है, सेकेंडरी नहीं होता। दूसरा विकल्प परिवार एवं मीडिया, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तीसरा आपका ऑप्शन है विद्यालय एवं मीडिया। चौथा है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो दोस्तों सेकेंडरी की बात की जा रही है, तो आप सबको पता है कि सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि द्वितीय कारक कौन सा होता है। दोस्तों आपका स्कूल सेकेंडरी होता है और मीडिया भी आपका सेकेंडरी होता है। चलिए बच्चों के निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण एजेंसी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो प्रश्न संख्या 29 आसान से अगर आप देखेंगे तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक क्या कारण हो सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का। अगर एक व्यक्ति, बच्चों के अंदर व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कुछ बच्चों की IQ बहुत अच्छी होती है, कुछ की कमज़ोर होती है, कुछ चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं जबकि कुछ चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन बच्चों के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय अभाव या फिर अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या 4 यानी कि अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया ही क्या होती है, प्राथमिक कारक होती है। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 28 बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सावधानी से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप इसको पढ़ के ही इसका आंसर निकाल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, देखिए विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली होती है, बिल्कुल ये होती है। हमें यहाँ निकालना है कि कौन सा नहीं है। तो विकास परिवर्त्य है, परिवर्त्य है का मतलब देखिए यहाँ पे ना, विकास परिवर्त्य है का मतलब विकास को परिवर्तित किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई बच्चा, उसके अंदर विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वह बच्चे से बड़ा हो गया। अब परिवर्त्य है मतलब फिर से वो बड़ा से बच्चा हो सकता है, क्या वो परिवर्त्य है, क्या वो चीज़ें बदल सकती हैं। आइए, विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो जी हाँ दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। अगला देखिए, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जबकि वायगोत्स्की ने कहा था कि विकास को सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करते हैं। तो हमें दिखाना है कौन सा नहीं है, तो चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है, यह विकल्प नहीं होगा। विकास को सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करते हैं लेकिन यहाँ पे लिखा है कि प्रभावित नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से यह विकल्प गलत हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा जा रहा है 2019 के CTET में कि निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। मतलब शारीरिक विकास, एक बच्चे का शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में तेजी से घटित होता है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा पता है कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा होता है जन्म से पहले एक बच्चे का अस्तित्व ही नहीं रहता और केवल 9 महीने में वो एक बच्चे का स्वरूप ले लेता है। तो जन्म से पहले सबसे तेज एक बच्चे का शारीरिक विकास होता है, लेकिन यहाँ पे जन्म के बाद की बात की जा रही है। तो जन्म के बाद क्या हो सकता है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था का अर्थात मतलब 0 से 2 साल, तो 0 से 2 साल या कहीं किताबों में 0 से 4 साल। तो आपको क्या लगता है कि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा और प्रारंभिक बाल्यावस्था पहले, क्या ये सही जवाब है, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। किशोरावस्था तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास उतनी तेज़ी से नहीं होता,
एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, कोई लड़का मान लीजिए 16 साल का है या फिर वो 17 साल 18 साल, उसकी शारीरिक आकार बनावट एक निश्चित रूप में आ जाती है, उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। शुरुआत में सबसे ज़्यादा एक बच्चे के अंदर विकास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाएं या मामू के घर जाएं तो वहाँ पे आपको अक्सर कहा जाता है आपकी मम्मी के नाम से कि अरे ये इनकी बेटी है या इनका बेटा है, देखो कितना बड़ा हो गया या कितनी बड़ी हो गई। इस सबसे अक्सर आपको संबोधित किया हो गया, कई बार सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है कि देखो इतनी बड़ी हो गई या इतना बड़ा हो गया। ये कब होता है कि बचपन में, वो कहते हैं कि हम बचपन में देखे थे इतना छोटा था इतना बड़ा हो गया, तो वास्तव में शारीरिक विकास की तीव्र गति बचपन में ही ज़्यादा होती है। अर्थात आपका यह विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में मनुष्य बच्चों के शारीरिक विकास और उसकी वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है। बाकी ये इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ है, किसी अंकल या आंटी ने देख के आपसे कहा कि अच्छा ये इनका बेटा इनकी बेटी है इतनी बड़ी हो गई, इतनी सी थी जब मैंने इसको लास्ट टाइम देखा था? बिल्कुल हुआ होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दोस्तों, किसने आपके से किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25 प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या है? प्रश्न संख्या 26 है कि एक प्राथमिक विद्यालय में कि अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, वो बच्चों को खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य पे भौतिक पुरस्कार देकर, मतलब हर छोटे कार्य पे जब पुरस्कार देने लगेंगी तो बच्चा खुद से कहाँ प्रोत्साहित होगा, वो समस्या समाधान नहीं हो तो पुरस्कार के लिए काम करने लग जाएगा। अगला विकल्प है केवल, देखिए ये इन शब्दों को ध्यान दीजिए, केवल प्रक्रियात्मक। तो जब केवल प्रक्रियात्मक आगे तो ये जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा, और गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंड देंगे तो बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते। अर्थात बाय डिफॉल्ट आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन आइए पढ़ लेते हैं। चौथा विकल्प आपसे कह रहा है कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके, मतलब बच्चों को समस्या समाधान में, यहाँ इस शब्द को याद रखिए, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, सहजानुभूत अनुमान। सहजानुभूत अनुमान मान लीजिए आपने कोई समस्या आ गई तो आप बच्चों को प्रोत्साहित करके तुम खुद से इसके आंसर्स निकालो, तुम्हारे अपने मस्तिष्क से अपने दिमाग से अपनी सोच से इसका हल क्या हो सकता है। जब कोई बच्चा इसका हल निकाले फिर आप उस पर क्या करेंगे, उस पर विचार मंथन करेंगे, डिस्कस करेंगे और लास्ट में उसको आंसर बताएंगे। तो इस प्रकार से आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो समस्या समाधान करें, वो समस्याओं का समाधान निकालें। ठीक है, चलिए बहुत सही। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं दोस्तों। एक शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को की समझ किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, जी नहीं एक व्याख्यान नहीं, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास, बार बार तो हम नहीं करा सकते हैं, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। दोस्तों इन शब्दों को बड़ा सावधानी से समझना पड़ेगा। अन्वेषण का मतलब होता है खोज विधि, इसको इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक बच्चों के जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, सहज करने का मतलब उनको समझ सकते हैं, बच्चों को खुद से हेल्प कर सकते हैं, तो वो यही विकल्प हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, यानी कि बच्चों को खुद से खोज विधि के द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित करके। चलिए प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं, 24 देख लेते हैं दोस्तों। 24 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम अर्थात मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब एक अर्थ के रूप में मीनिंगफुल जो भी आप सीख रहे हो ना वो आपके जीवन में काम सार्थक हो, आपके जीवन के लिए अच्छा हो, तो मीनिंगफुल अधिगम को निम्न से कौन सा बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड बिल्कुल ये बढ़ावा नहीं देती, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरमेंट, जी हाँ ये बढ़ावा देती है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन मतलब संपूर्ण रूप से मूल्यांकन, सतत एवं समग्र, जैसे कि उस बच्चे का कॉपी पेन पे भी टेस्ट होगा लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि उस बात करने में कितना एक्टिव है, खेल में कितना अच्छा है और को करिकुलम एक्टिविटीज़ में कितना अच्छा है, तो ये भी चेक किया जाएगा। तो दोस्तों ये विकल्प दोनों सही लग रहा है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, निरंतर मतलब बार बार आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं और इस प्रकार से मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये गलत है। और हमें निकालना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, तो दूसरा और तीसरा बढ़ावा देती है, अर्थात आपका विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प संख्या दो यानी कि दूसरा और तीसरा क्या करती है, बढ़ावा देती है। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत 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 अच्छा। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए
बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? किसी बच्चे को आप लगातार पुरस्कार देते हैं, अच्छा कार्य करता है, खराब कार्य करता है तो उसे दंड देते हैं, तो इस पर बच्चे को क्या प्रभाव पड़ सकता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाएगी। जी हाँ, कम तो हो जाएगी, लेकिन इसका जो शब्द है ना, ये जो प्रश्न है वो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। आप उसको बार बार अगर आप पुरस्कार देंगे तो वो फिर तो वो पुरस्कार के लिए ही काम करेगा, वो तो डर के काम करेगा। वो कहते हैं ना कि सर्कस का जोकर, सर्कस का शेर कह लीजिए, जिसे छड़ी दिखाओ तो वो कूदता है, छड़ी ना दिखाओ तो बस वो पुरस्कार और दंड के लिए कार्य करने लगेगा। तो बाहरी अभिप्रेरणा, यहाँ पर अभिप्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती है, अभिप्रेरणा तो बढ़ती नहीं है। या बच्चों के प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित? बिल्कुल नहीं, निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा को खत्म कम होता है। सही बात है, जब आप बच्चे को केवल पुरस्कार और दंड के लिए पढ़ाएंगे तो उसकी जो स्वाभाविक अभिरुचि है, उसकी जो सेल्फ क्यूरोसिटी, या फिर ये कह लें कि जो उसकी नेचुरल थॉट है, नेचुरल उसकी जिज्ञासा है ना, वो कम हो जाएगी। मतलब उसको मतलब ही नहीं है, हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हमें इनाम मिल रहा है तो हम कर रहे हैं, दंड मिल रहा है तो इसलिए हम नहीं कर रहे, तो वो बस इसी के लिए काम करेगा। यानी कि आपका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है अगर आप किसी को बार बार पुरस्कार या दंड देते हैं तो। चलिए अगला हम देखेंगे, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण और गौर उदाहरण। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, स्पष्ट उदाहरण का मतलब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आपने क्लियरली उसको एग्जांपल दे दिया, राइट। गौर उदाहरण का मतलब आपने थोड़ा सा हिंट दे दिया। तो आप अगर ये करते हैं, स्पष्ट उदाहरण और गौर उदाहरण देते हैं, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या हो सकता है भैया? अवधारणात्मक प्रयत्न को प्रोत्साहित करने के लिए वह एक प्रभावशाली तरीका है। तो जी हाँ, अवधारणात्मक इज एन अफेक्टिव वे टू इंकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंजेस। हाँ सही है, ये तो विकल्प सही लग रहा है, आइए और देखते हैं। वह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करेगा? नहीं नहीं, आप एग्जाम्पल देंगे तो कैसे भ्रांति उत्पन्न होगा। वह अवधारणाओं की समझ में अभाव भी पैदा नहीं करेगा। वह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रयोगात्मक ज्ञान पर केंद्रित करता है। अर्थात दोस्तों, ये अवधारणात्मक का मतलब वो कॉन्सेप्चुअल के बजाय, तो ऐसी बात नहीं, जब हम किसी बच्चे को उदाहरण देकर समझाएंगे तो वो उसके कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल समझेगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर एक, यानी कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है कि बच्चे को आप जरूरत पड़ने पर संपूर्ण उदाहरण दें, स्पष्ट उदाहरण दें, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसे हिंट दें, यानी कि गौर उदाहरण दें। चलिए प्रश्न संख्या 21 आपसे कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम के बारे में कौन सा सही है, स्टेटमेंट कौन सा सही है लर्निंग के बारे में? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, हिंदी बहुत डिफिकल्ट लिख दी गई है, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और रिकॉल, यानी कि पुनरुत्पादन का मतलब स्मरण का मतलब याद करना, रिकॉल करना। तो जब भी हम याद करने, रिकॉल करने की बात आती है तो वह एक प्रभावशाली सिद्धांत नहीं हो सकता अधिगम का। अधिगम यंत्रवत याद करना भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, आवृत्तीय संबंध हिंदी में, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीटेटिव। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो रिपीटेटिव एसोसिएशन, जब बात रिपीटेटिव या रिपीटिशंस की आती है यह भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो यह विकल्प भी नहीं होगा। यानी कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में से कौन सा कथन सही है, जिसमें आपका कथन सही है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। द लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाई एक्टिव एंगेजमेंट। इंग्लिश में चीज़ें और अच्छे से समझ में आ रही है इस क्वेश्चन के आधार पर। और तो आप जब क्वेश्चन को ना समझिए तो दोनों भाषाओं में हम देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश। तो जब भी ऐसी समस्याएं आए, शुद्ध हिंदी अगर मिल जाए तो एक बार इंग्लिश की तरफ देख लीजिएगा, या फिर इंग्लिश में कोई ऐसे वर्ड मिल जाए जो समझ में आए तो एक बार हिंदी की तरफ आप एग्जाम में जरूर देखिएगा। संवेग एवं संज्ञान, संवेग एवं संज्ञान मतलब इमोशंस और आपके संज्ञान, कॉग्निशंस का क्या रिलेशन हो सकता है? एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र भी नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सन्निहित और एक संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल संबंधित हैं। तीन विकल्प गलत हैं। तो सन्निहित का मतलब होता है इंटरवोवेन विथ, मतलब इंटरवोवेन का मतलब अर्थात इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं अर्थात। तो बिल्कुल ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरवोवेन है, एक दूसरे से संबंधित है। चलिए बहुत सही, अगला प्रश्न,
देखो पीछे वाले अंकल का डॉगी फिर से बोल रहा है, टाइम हो रही है 11:30, मतलब हम लोग की ना आदत हो गई है 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2-2 बजे पीछे वाले अंकल का डॉगी स्टार्ट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कोई बात। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषताएं क्या है। छात्र केंद्रित मतलब वह शिक्षा शास्त्र, वह एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे स्टूडेंट को केंद्र माना जाता हो, स्टूडेंट को प्राइमरी माना जाता हो, छात्र के रुचि, उसकी आवश्यकताओं, उसकी क्षमताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता हो, उसे हम छात्र केंद्रित कहते हैं। तो छात्र केंद्रित में क्या होता है, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं होना, ठीक है, बच्चों के अनुभव के प्रमुखता देना, बिल्कुल यही होता है। आइए और विकल्प देखते हैं, यंत्रवत याद करना नहीं होगा, योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकित तथा वर्गीकृत करना, तो वर्गीकृत नहीं करते हैं, इसीलिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, ठीक है, इसी को हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर या फिर बाल केंद्रित कहते हैं या फिर छात्र केंद्रित कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के बारे में अभी बात की गई इसी वीडियो में, तो बच्चों के द्वारा बनाए गए अनेक सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मैं इस शब्द को आप याद रखिए, इससे प्रश्न आता है कई बार, हर साल पूछा गया है। सहजानुभूत सिद्धांत का मतलब वह सिद्धांत जो बच्चे अपने आप से बना लेते हैं, अपने मन से बना लेते हैं, अपने बुद्धि विवेक से बना लेते हैं कोई भी सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ट्रेन चल रही है तो पेड़ पीछे की तरफ जाएगा, तो बच्चा कहेगा मम्मी या पापा ये देखो ट्रेन पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, उन्होंने अपने मन से सिद्धांत बना लिया। या फिर सुबह देखा तो सूरज हमारे साथ था, अभी भी मेरे साथ है, मतलब हमारे साथ साथ सूरज चल रहा है, तो ये बच्चों का क्या है, सहजानुभूत सिद्धांत है। तो इसके बारे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर सकते, बच्चों को दंडित भी नहीं कर सकते, अनदेखा भी नहीं कर सकते, बार बार याद करने नहीं याद करा सकते बार बार, ठीक है। तो चलिए आप क्या करेंगे, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, मतलब डिस्कस करना चाहिए एक एग्जैक्ट, आप जो उन्हें एग्जाम्पल दे के या फिर प्रमाण दे के कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी का मतलब कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, यहाँ पे संरचना की जाती है, ज्ञान का संरचना यानी कि उसका निर्माण किया जाता है, तो अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, यंत्रवत याद करने पे आधारित, प्रबलन पर केंद्रित, प्रबलन रेनफोर्समेंट पे केंद्रित भी नहीं होता, अनुबंधन द्वारा अर्जित या फिर दोस्तों अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। अवबोधन की प्रक्रिया का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में इसे और बेहतर समझ सकते हैं, तो फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, एग्जैक्टली, तो मीनिंग मेकिंग एक प्रोसेस होता है, अर्थात संरचनावादी ढांचे में क्या होता है दोस्तों, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है, इट इज़ द फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, राइट। चलिए अवबोधन का मतलब मीनिंग मेकिंग, एक नया वर्ड था मुझे भी इंग्लिश से समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, में उल्लेख की गई स्मृति उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। देखिए समावेशी शिक्षा, इससे भी हर साल कम से कम 1-2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। समावेशी शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक साथ पढ़ते हैं। विशिष्ट बालक अर्थात मतलब वो बच्चे जिनके हाथ थोड़े से प्रॉब्लम हो या फिर किसी के पैर में प्रॉब्लम हो या फिर किसी की कम, तो इस प्रकार के बच्चे विशिष्ट बालक या फिर कहते हैं, और इनको और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा कराती है। तो इसमें किस पर आधारित है, इसकी अवधारणा क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, असक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति भी हम नहीं दिखा सकते, मतलब सहानुभूति आपने दया दृष्टि दिखाई का मतलब आपने उनको थोड़ा सा कमजोर कर दिया इमोशनली। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर, यहाँ से ध्यान दीजिए सबसे बेहतरीन विकल्प आपसे, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, मतलब अगर कोई बच्चा मान लीजिए हैंडीकैप लाइक उसका पैर कार्य नहीं कर रहा है, तो आप उसको आप असक्त बच्चों के मुख्य धारा से जोड़िए, कोई ऐसी व्यावसायिक शिक्षा दीजिए, अगर उसका पैर ठीक नहीं इज़ फाइन, फुटबॉल नहीं खेल सकता, अच्छी पेंटिंग तो कर सकता है, अच्छा टीचर तो बन सकता है, तो इस प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा उसे उपलब्ध कराकर मुख्य धारा से जोड़ दीजिए ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। हाँ भाई 15वां प्रश्न, एक शब्द यहाँ पे दिया गया है कि पठन वैफल्य, बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन वैफल्य का मतलब होता है ना पठन वैफल्य, देखो पढ़ने में विफल, ठीक है, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, पढ़ने में थोड़ा परेशानी होती है, पठन वैफल्य पढ़ने में थोड़ी सी विफलता है उसके अंदर, तो न्यून अवधान विकार, न्यून अवधान मतलब अटेंशन डिफिक्ट डिसऑर्डर, मतलब
क्या पठन वैफल्य से वो बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है? जो ध्यान नहीं दे पा रहा ये दूसरी चीज़ है, पठन विफल का मतलब वो बच्चा जिसको पढ़ने में परेशानी हो। अब सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता नहीं, ये गलत जवाब दे दिया, इसके विपरीत होना चाहिए, अर्थात धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, मतलब थोड़ी सी फ्लुएंट पढ़ने में उसे क्या दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन लास्ट विकल्प दिया गया है कि एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। जी नहीं, पठन विफल का मतलब पढ़ने में थोड़ी सी विफलता, अर्थात उसको पढ़ने में थोड़ी सी अक्षमता है, तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। 3 प्रश्न संख्या 15। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। एक समावेशी कक्षा, देखिए समावेशी कक्षा से एक और सवाल आपसे पूछा गया। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कभी कभी तैयार, कभी कभी नहीं, हमेशा करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। वही मैं कहना चाहता था कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यही विकल्प सही होगा, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित। जी हाँ, हतोत्साहित नहीं करना है आपको, सक्रिय रूप से आप तैयार करिए विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को। विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं का मतलब अलग अलग तरीके से स्पेशल, जो बच्चे ज़्यादा कमजोर हो उनको स्पेशली कुछ अलग शैक्षिक योजनाओं को तैयार करके उन्हें समझाया जाए, तो उनको सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चन को, आसानी से कर लेंगे, मुझे पक्का बताया। CDP तो आप 30 में से 30 करने वाले, मुझे कन्फर्म बताया। चलिए बहुत सही। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने पर, अब मान लीजिए कुछ ऐसे समूह के बच्चे हैं जो अपने क्लासरूम में ना कम पार्टिसिपेंट करते हैं, उनकी सहभागिता कम है, तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कुछ वंचित समूह के बच्चे हैं जो कि कम पार्टिसिपेट क्लास में कर रहे हैं, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप अपने आधार पर, आप खुद एक टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को कहेंगे चलो भैया आप स्कूल छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, आप स्कूल, आप ऐसा कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार, ऐसे ही स्वीकार, मतलब जैसे को तैसे हाल पर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, मतलब छोड़ो, हम ही अपना अपेक्षा कम कर लेते हैं, हम ही मान लेते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्या इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए? या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर तो कमी नहीं है, क्या ऐसी बात है कि यह सहभागिता कम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं? तो आप अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढेंगे। तो बिल्कुल भैया, बच्चे के लिए हम ढूंढेंगे, ठीक है, बच्चे अगर कुछ नहीं दे तो हम अपने अंदर चेंजेस करेंगे ताकि बच्चे थोड़ा और इंटरेस्टेड हों पढ़ाई करने में। चलिए बहुत से एक एग्जाम्पल आ रहा है, छोड़ो नहीं, वो मुझे ना दिव्या मैम, एक यूट्यूब पे मैम है दिव्या मैम, खैर वो बहुत गलत तरीके से पढ़ाती हैं, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, तो मतलब चलो हटाओ यार, किसका नाम याद आ गया। चलिए, रूही हमेशा समस्याओं को एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, ठीक है। रूही हमेशा समस्याओं को एकाधिक, मतलब कोई समस्या है वो एक से अलग उसके समाधान सोचती है, और इनमें काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, मतलब नए होते हैं, किसी के द्वारा कॉपी नहीं किया जाता। तो रूही के इस गुण को आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे गुण है, मतलब एक समस्या को अगर वो कई समाधान सोचे तो बहुत अच्छा गुण है, तो इसको कहेंगे सृजनात्मक विचार, मतलब क्रिएटिविटी। जी हाँ, क्रिएटिविटी कह सकते हैं। अब अभी सारी का मतलब जैसे कई में से एक विकल्प चुनना, अनम्य मतलब यहाँ पे देखेंगे तो आपको लिखा है रिगिड थिंकर। रिगिड थिंकर का मतलब होता है बिल्कुल कठोर, जो सोच लिया बिल्कुल वही। अनम्य मतलब आप मुड़ते नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। आत्मकेंद्रित का मतलब केवल जो अपने बारे में सोचे, दूसरों के ख्यालों और विचारों की चिंता ना करें। तो वो जब कई एक समस्या का कई समाधान सोचती है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकर हो सकती है, रूही क्रिएटिव एक थिंकर हो सकती है। सॉरी, चलिए प्रश्न संख्या 11। देखते ही देखते हमने दोस्तों 20 प्रश्नों को देख लिया, वो भी 20 प्रश्न जो कि सीटेट में पूछे गए थे। जरा सोचिए कितना मजा आ रहा है, और ऐसे ही करेंगे ना आप तो 30 मिनट में, सोचिए ऐसे एग्जाम्स में अगर सॉल्व करेंगे तो 30 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व कर दिया। चलिए बहुत सही। निम्नलिखित कथनों में से, इतना टाइम नहीं लगेगा जैसे मैं पढ़ रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं, आप बस देखेंगे और मुझे पक्का बताया आप इन 30 क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे अगर आप ऐसे डिस्कस करेंगे तो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय, देखिए बुद्धि आप जन्म के समय कैसे निर्धारित कर सकते? कोई बच्चा जन्म तो आप समझ सकते हो, देखो ये बड़ा होकर ये बनेगा या फिर ये बड़ा होकर नहीं बनेगा, इसका बुद्धि काम नहीं करेगा। क्या आप जन्म के समय निश्चित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से माप एवं निर्धारित किया जा सकता है। देखिए कुछ मानकीकृत परीक्षण हैं जिसके आधार पर आप बुद्धि को माप तो सकते हैं, लेकिन सटीक रूप से माप लेना, बिल्कुल एक्यूरेटली माप लेना, यह संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अगला विकल्प है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक है,
एक एकाकी विशेषक है या बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है, तो बिल्कुल चौथा विकल्प सही है। बुद्धि क्या है दोस्तों, बहुआयामी है, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, बहुत सारी चीज़ों का के आधार पर आप निर्धारित कर पाएंगे। तो चलिए अब दसवां प्रश्न देखते हैं, वीडियो खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसी बच्चे का आप टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट लेते हैं, आकलन करते हैं, तो पहला उद्देश्य क्या है कि आप छात्रों को ग्रेड निर्धारित करेंगे, श्रेणी दिखेंगे, ये फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, ये आपका प्राथमिक उद्देश्य हो सकता है। या फिर संबंधित अवधारणाओं के बारे में, संबंधित अवधारणा मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है ना, जिस कॉन्सेप्ट पे आप टेस्ट ले रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पे आप ये देखेंगे कि बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बच्चे कितना स्पष्ट है या उसके अंदर कितना और भ्रम है, कितना चीज़ों को समझा या नहीं करना, क्या यह एक प्राथमिक कारण हो सकता है आपके टेस्ट का, बिल्कुल यही होगा। बाकी आगे विकल्प देंगे, विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर नामांकित करना यानी कि अलग करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तर या अंतरण करना, तो आपका प्राथमिक यही होता है ना कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम टेस्ट ले रहे हैं हम ये जान सकें कि उसके बारे में इस बच्चे को कितना पता है और कितना नहीं पता है। प्रश्न संख्या 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया, और पियाजे ने क्या था, जिन पियाजे ने कहा था कि बुद्धि की संरचना के बारे में कहा था कि ये स्कीमा के रूप में यानी कि एक पॉकेट के रूप में पाई जाती है, ठीक है, तो स्कीमा इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। इस चीज़ को आपको बिल्कुल समझ जाना है कि स्कीमा के बारे में जीन पियाजे ने बात करी थी और जीन पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में क्या है, ये इनका निम्नलिखित संदर्भ स्कीमा के बारे में उन्होंने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक, अब मूर्त संक्रियात्मक को मध्य बाल अवस्था कहते हैं, यानी कि 6 से 11 वर्ष 6 से 12 नहीं, इसके मध्य की अवस्था 6 से 11 यानी कि आप कह सकते हैं 7 से 11 साल, तो 7 से 11 साल मूर्त संक्रियात्मक। चलिए तो इसके अंदर क्या होता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार। देखिए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क मतलब हाइपोथेटिकल डिस्कशन या फिर डिडक्शन, ये बड़े बच्चे करते हैं जिनकी टीन एज से ज़्यादा एज होती है, ठीक है, 7 से 11 साल के बच्चे नहीं करते। संरक्षण और कक्षा समावेशन, कक्षा समावेशन मतलब कक्षा के साथ मिलकर पढ़ना, कक्षा को एक साथ लेकर चलना पढ़ना, तो मतलब एक कक्षा समावेशन की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है, ये विकल्प सही लग रहा है। बाकी हम आगे देख लेते हैं, अस्थगित अनुकरण तो ये शैशवावस्था में होती है। अनुकरण का मतलब जैसे कि अगर पापा पीछे हाथ करके चलते हैं तो बच्चा भी पीछे हाथ करके चलता है, अगर बच्चा देख लेता है कि पापा शेविंग कर रहे हैं तो वो भी अकेले में जाके शेविंग कर लेते हैं, या फिर वो देख लेता है कि अगर घर का कोई व्यक्ति आटा सान रहा है तो फिर वो भी आटा लेके सानने लगता है, ठीक है। तो ये तो शैशवावस्था की बात होती है, मूर्त संक्रियात्मक में नहीं आता। अगर प्रतीकात्मक खेल और विचारों का अनुक्रमण, तो ये विकल्प इतना मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन वास्तव में इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प संख्या 2, संरक्षण एवं कक्षा समावेश है। चलिए बहुत सही, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, 7 प्रश्न और रहेंगे फिर खत्म हो जाएगी ये वीडियो, फिर आप अपने घर हम अपने घर, आप मतलब पढ़ाई करेंगे हम दोनों लोग। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यक पढ़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एक शब्द को, वो शब्द है पाड़ ढांचा, इसको दिया गया था वैगत्सकी ने। अब कोई बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो आपने क्या कर लिया, आपने उसको साइकिल को पकड़ लिया, ठीक है कि तुम चलाओ टेम्पररी। अब ये नहीं कि उसको हमेशा साइकिल पकड़े रहेंगे, भैया तुम हमेशा चलाते रहो हम पीछे पकड़े रहेंगे, तो ये टेम्पररी थोड़ी देर के लिए आपने पकड़ लिया, जैसे ही वो आगे बढ़ा आपने छोड़ दिया, फिर अगर गिरता है तो आपने थोड़ा सा, तो आप समय समय पर उसकी सहायता कर रहे हो, उसका सहयोग कर रहे हैं, और वास्तव में इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम पाड़ कहते हैं यानी कि ढांचा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस बच्चे को आप समय समय पर क्या कहते, संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये क्या है, एक पाड़ है, ढांचा है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, प्रश्न है कि जिंग सॉ पहेली को करते समय, जिंग सॉ पहेली मतलब एक ऐसी पहेली होती है, एक ऐसा पजल होता है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बॉक्स को सेट करके एक आकृति बनाते हैं, आपने अक्सर फिल्मों या टीवियों में देखा होगा या फिर घर पे बच्चे खेलते हैं, कई कई बॉक्स एक दूसरे को रख के और एक फिगर बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं जिंग सॉ पजल, ठीक है, या फिर जिंग सॉ पहेली। तो उसको करते समय 5 साल की एक नजमा है, ठीक है, जो खुद से ये कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ गया, हो सकता है उस पजल का जो नीला टुकड़ा था वो कहीं खो गया, तो कहाँ गया, नहीं यह वाला नहीं, गढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाए, मतलब एक नजमा है तो उसको एक पजल नहीं मिल रहा है,
तो वो करी कि यार नीला वाला टुकड़ा कहाँ गया, फिर करी ये वाला नहीं इससे गाढ़ा वाला जिसको गाढ़ा रंग है वो, ताकि जूता और अच्छा बन जाए। तो आपने देखा कि नजमा क्या कर रही है, नजमा खुद से बात कर रही है, राइट। चलिए खुद से बात करिए, प्रश्न आया कि इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, तो खुद से वार्ता कर रही है, बिल्कुल सही। जोर से बोलना नहीं, जोर से बोलना नहीं, पाल ढांचा, देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। बच्ची ने खुद से कहा, स्वयं से कहती है कि गाढ़ा वाला रहेगा तो और बेहतर जूता हो जाएगा। अगर यही बात कोई दूसरा कहता तो वो पाल या ढांचा होता, लेकिन ये खुद से कह रही है तो क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता होता। अच्छा, आत्म केंद्रित वार्ता का मतलब जो केवल अपने बारे में सोच रही है, अपने बारे में बात कर रही है, यहाँ पे बात किसी दूसरे चीज़ के लिए कर रही है, तो वो खुद से बात कर रही है, मतलब इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। ये बड़ा अच्छा प्रश्न था और इसमें काफ़ी ट्रिकी आंसर्स भी दिए थे। एक पल के लिए आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वास्तव में इसका सही क्या है कि वो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 प्रश्न और रह गए। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रभाव को महत्व दिया। यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से देखा पड़ेगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व किसने दिया था, पिछली वीडियोस में भी बात की थी, यह दिया था लियो वाइगोत्स्की ने। उन्होंने कहा था कि बच्चे के विकास में सामाजिक और उसके सांस्कृतिक विषय क्या करते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं, तो इसका विकल्प संख्या 2 सही है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 2020 के दोनों पेपर में पूछा था और 2019 के पेपर 2 में भी पूछा था, और हम ये सॉल्व कर रहे हैं पेपर 1 को, ठीक है, तो पेपर 2 में भी पूछा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अब यहाँ पे देखिए, बच्चों के में जेंडर रूढ़िवादता एवं जेंडर भूमिका अनुपातता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली। बच्चों के अंदर जेंडर जो स्टीरियोटाइप थॉट है ना, जो रूढ़िवादता है, उसको आपको कम करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जेंडर पश्चपात के बारे में परिपर्चा, हाँ परिचर्चा तो करेंगे बिल्कुल, आप उन पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, आप उन पर डिस्कस कर सकते हैं कि जेंडर पक्षपात कितना गलत है कितना सही, तो आप उसको उस पर चर्चा कर सकते हैं, विकल्प सही लग रहा है। चलिए अगला विकल्प भी देख लेते हैं, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देकर, विशिष्ट भूमिका मतलब कुछ ऐसी विशिष्ट भूमिकाएँ, स्पेशल रोल है जो केवल लड़के प्ले कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं, या केवल लड़कियाँ कर सकती हैं, इस चीज़ को हम महत्व देंगे, नहीं देंगे। जेंडर पृथक खेल समूह बनाकर, मतलब आपने एक ऐसा खेल समूह अलग अलग बना दिया, अच्छा तुम लड़के हो जाओ फुटबॉल खेलो, तुम लड़की हो जाओ तुम गुड़िया से खेलो डॉल से खेलो, तो आपने पृथक कर दिया, आपने तो उसमें पक्षपात और कर दिया, लेकिन आपको कम करना है, तो यह विकल्प नहीं होगा। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करके, अच्छा ऐसा है तुम दूसरे क्लास में बैठो तुम दूसरे क्लास में बैठो, तो ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसका सही विकल्प होगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 30 है, तीसरा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है, मान लीजिए कोई टीचर है वो लड़कियों के बजाय लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो आप देखेंगे ना वो पश्चपात कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, वो बाइस है, वो पश्चपात कर रहा है, एक पक्ष को ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कभी भी जब एक शिक्षक या फिर कोई भी एक पक्ष के बजाय दूसरे पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दे तो उसे पक्षपात कहते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसका विकल्प तो जेंडर पक्षपात होगा, सही बात है, जेंडर पक्षपात और जेंडर रूढ़िवादता में क्या फ़र्क है, रूढ़िवादता मतलब पहले से चली आ रही कोई मनगढ़ंत रूढ़िवादता है, कोई परंपरा है, तो वह हो जाएगी जेंडर रूढ़िवादता। अब जैसे यहाँ पे कोई शिक्षक है वो लड़कियों के बजाय लड़कों पे ज़्यादा दें, तो ये ऐसी बात नहीं कि सारे शिक्षक देते हैं या फिर ये कोई पहले से चली आ रही ऐसी बात, वो उसका व्यक्तिगत है, तो वो व्यक्तिगत तौर पे क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है, ठीक है, तो ये होगा जेंडर पक्षपात, इसका विकल्प सही हो गया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है, नैतिक विकास का मतलब जहाँ पे बच्चे को सही गलत क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का अनुमान हो जाए, तो इस विकास की आवश्यकता कौन सी है, तो चलिए प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, मूर्त संक्रियात्मक और उद्योग बनाम अधीनता। तो दोस्तों ये विकल्प मुझे बहुत ऐसे समझ नहीं आता, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ना वो अलग अलग सिद्धांत दी गई हैं, जैसे कोहलर बर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मूर्त संक्रियात्मक का सिद्धांत तो जीन पियाजे ने दिया था, ये नहीं है, लेकिन जब मैंने कोहलर बर्ग को पढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का सिद्धांत कोहलर बर्ग ने दिया था, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 2, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का सिद्धांत। चलिए लास्ट प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 1, फिर तो ये वीडियो खत्म हो जाएगी, कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, मतलब किस अवधि में बच्चों के भाषा मतलब उसके लैंग्वेज उसके शब्द में ज़्यादा विकास होता है,
कौन सा हो गया? जन्म पूर्व अवधि, जन्म से पहले भाषा का विकास संभव नहीं है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा, जन्म से पूर्व नहीं हो पाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरा बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्य जन्म से शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था से पहले, तो बिल्कुल इसी बीच में 2 से 7 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीखते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी भाषा का विकास होता है, इसी में वो बोलना सीख जाते हैं, सही से उच्चारण करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील कौन सी है? इसके लिए दोस्तों प्रारंभिक बाल्य अवस्था, यानी कि विकल्प संख्या 2। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने देखा 30 प्रश्न सीटेट सीडीपी के, जो कि 2019 पेपर 1 में पूछे गए थे, प्रश्नपत्र 1 में पूछा गया था। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मज़ा आया, कितना समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट में प्लीज़ अपनी राय जरूर दें। और इस तरह से यकीन माने, मतलब मेरा टारगेट है कि सीडीपी में पहले ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, जैसे सीडीपी ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे या फिर पर्यावरण के क्वेश्चन देखेंगे। तो डेली बेसिस पे कम से कम आप हर मतलब डेली 1 साल का आप जो सीडीपी के क्वेश्चन है प्रीवियस, उसको आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने से आप यकीन मानिए कि आपके बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे पास भी एक अच्छी टीम बने, अच्छे लोग बने, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले चीज़ों को करने में, वीडियो बनाने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट, सब बखैर, शुभ रात्रि।